चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग के बारे में। जनरली मैनेजमेंट यूज टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग टू असर्टेन कॉस्ट एंड टू टेक डिसीजन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्टोरिकल कॉस्टिंग की। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग का मतलब आप लोगों को क्लियर ही होगा, हिस्ट्री के बेस पर, मतलब जिस एक्सपेंडिचर पर हमने कोई कॉस्ट इनकर की है, कोई एसेट परचेज की है जिस रेट पर, उसी रेट पर हम उस एसेट को अपनी अकाउंट्स की बुक में दिखाएंगे, वो हो जाएगा हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। जैसे मैंने लास्ट ईयर 10,000 में कोई प्रोडक्ट परचेज किया और आज मुझे उसे दिखाना पड़े, तो मैं बढ़े हुए रेट से नहीं दिखाऊंगी, जिस रेट पर परचेज किया था उसी रेट पर उसे अकाउंट्स की बुक में दिखाया जाएगा, वो हो जाएगा हमारा हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। नेक्स्ट टेक्निक आती है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग जब बहुत सारी फॉर्म्स मिलकर सेम मेथड, सेम प्रिंसिपल्स यूज करती हैं कॉस्टिंग के लिए, तो वो हो जाता है हमारा यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा। जब बहुत सारी फॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन मिलकर एक जैसे टेक्निक्स, एक जैसे प्रिंसिपल्स, एक जैसे रूल रेगुलेशन यूज करेंगे कॉस्टिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो वो मेथड होगा यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। आगे हम बात करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग की। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट को हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं, चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट बाय वन यूनिट। ठीक है, जब हम एक यूनिट से अपनी आउटपुट में इंक्रीज या डिक्रीज करें तो हमारी कॉस्ट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसे हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। और इसको, इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्ट की यूज करते हैं। फिक्स कॉस्ट आर चार्ज फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूशन टू कैलकुलेट द प्रॉफिट। क्लियर हुआ? मार्जिनल कॉस्टिंग मीन्स क्या होगा कि हाउ वी यूज मार्जिनल कॉस्ट टू मेक डिसीजन। नेक्स्ट टेक्निक आती है हमारी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होगा, हम फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट दोनों यूज करेंगे अपनी कॉस्ट को एलोकेट करने के लिए, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, प्रोसेस के अकॉर्डिंग या फिर ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग। अंडर दिस सिस्टम बोथ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट आर चार्ज टू द कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट ऑन सम एप्रोप्रिएट बेसिस। यहाँ पर कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट क्या होगा, वही प्रोडक्ट, प्रोसेस या फिर ऑपरेशन। उसके बाद आता है डायरेक्ट कॉस्टिंग। जनरली हम कॉस्टिंग में कॉस्ट को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पार्ट में डिवाइड करते हैं। अंडर डायरेक्ट कॉस्टिंग ऑल कॉस्ट विच आर डायरेक्ट टू द प्रोडक्ट, प्रोसेस और ऑपरेशन, चाहे वो फिक्स नेचर की हो चाहे वेरिएबल नेचर की हो, हम कॉस्ट सेंटर में चार्ज करते हैं। और जितने भी इनडायरेक्ट नेचर की कॉस्ट होगी उसे हम कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ राइट ऑफ कर देंगे। आई होप क्लियर होगा आपको। इंक्रीमेंटल कॉस्टिंग। इंक्रीमेंटल कॉस्टिंग मीन्स कि आउटपुट को बढ़ाने या कम करने के साथ हमारे रिवेन्यू और कॉस्ट में क्या चेंजेस आएंगे, वो होगा हमारा इंक्रीमेंटल कॉस्टिंग। एडिशनल कॉस्ट और एडिशनल यूनिट रिवेन्यूज को एनालाइज करती है मैनेजमेंट फॉर टेकिंग डिसीजन। अब लास्ट टेक्निक की बात करें, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर हर एलिमेंट का पहले से ही हम एक स्टैंडर्डाइज कॉस्ट डिटरमाइन कर लेते हैं, कि पहले से हम स्टैंडर्ड बना लेते हैं कि हमारे एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्च आएगा, एक प्रोसेस को कंप्लीट करने में कितना खर्च आएगा, हमारे हमें लेबर पर कितना लगाना है, मटेरियल पर कितना लगाना है, बाकी एक्सपेंसेस पर कितना लगाना है। इसलिए यूज होगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कंट्रोल पर्पस के लिए। उसके बाद हम एक्चुअल अपने एक्सपेंडिचर को मेजर करेंगे। एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स जब मेजर कर लिए, एक्चुअल कॉस्ट देख ली, स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ उसे कंपेयर करेंगे, कोई वेरिएंस होगा तो उसे कंट्रोल कर लिया जाएगा। तो ये था हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और इसके साथ ही हमारी टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग खत्म होती है। थैंक यू सो मच।